हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ये ठीक है ना? ये आज हम ना एक, वैसे तो मैं कार बनाने जा रहा हूँ, RC कार, वो भी ज़बरदस्त वाला। आइडिया तो इस तरह का ही कुछ, तो फिलहाल मैं उसका ना एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो आज उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये कुछ इस तरह मैंने इसको ड्रिल किया दो जगहों से, वो भी इस वाले अपने ड्रिल से। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ पे ये इसको मैं चलाते हुए, ये हमारा ड्रिल है, वो ये इसके लिए है। ठीक है, ये इधर लगाएंगे हम। ये ज़बरदस्त हो गया, इधर लगा के इसमें हम स्क्रू लगा देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये इन जगहों पे जो मैं स्क्रू लगाते जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने पहले से ड्रिल किया हुआ है। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ यार। ये कुछ इस तरह हो गया, ठीक हो गया। इसमें थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा है, ये छोटा है, लेकिन फ़िलहाल मैं तो एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, तो उसका कोई मैटर नहीं बनता। बाद में हम एक अलग से RC कार के लिए फ्रेम ही बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ मैं मोटर कुछ चलाना चाहता हूँ इसमें, और मोटर यूज़ करूँगा मैं ब्रशलेस। और मोटर वो ये है, ये 2400 KV का मोटर है, 22 12 में। ये चाइनीज़ मोटर है, चाइना का कंपनी है। एक और मोटर भी है मेरे पास, लेकिन वो 920 KV है, तो मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ। ये रहे टायर्स, इसमें ये कपलर लगा हुआ है, एक मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। ये टायर के साथ ही नहीं मिला था मुझे, बाद में लेना पड़ा था। अभी इसको मैं शॉफ्ट में जब लगाऊंगा तो एल की मदद से इसको टाइट करूंगा, और ये वाले नट अंदर है। ठीक हो गया, चलिए फिर अब टायर को इंस्टॉल करते हैं। एक ये टायर लग गया, ये ठीक है, अभी दोनों को टाइट करते हैं। और ये दोनों टाइट हो गए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये टाइट होने के बाद कुछ इस तरह होगी, सही हो गया। अभी इनको भी टाइट करते हैं। ये बेल्ट, फिलहाल मैं एक ही बेल्ट यूज़ करूँगा, आगे चल के हो भी सकता है मैं दो बेल्ट यूज़ करूँ, और दो मोटर के साथ। अभी मोटर को माउंट करने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा मोटर माउंट, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह लगेगा, और यहाँ पे मोटर लगेगा, इधर माउंट कर देते हैं। ये मैंने मोटर को माउंट कर दिया, सही है। एक यहाँ पे ये रहा अपना अमेजिंग ड्रिल। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि ये ड्रिल कैसे बनाते हैं, ड्रिल डिस्क्रिप्शन में अभी चेक करें। ये कुछ इस तरह हो गया। अच्छा, अगर जब असल कार में बनाने जाऊंगा ना, तो उसमें क्या करेंगे कि मैं इस तरह का एक सिस्टम बनाऊंगा यहाँ पे ना, ये अगर इस तरह होगा ना, तो इसको मैं जैसे ही आपसे टाइट करता जाऊंगा,
या इसमें ये वाला जो है ना अपना माउंट, मोटर माउंट, इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि इसको हम जैसे ही टाइट करते जाएंगे ना तो अपना बेल्ट भी ना सीधा होता जाएगा और टाइट भी होता जाएगा। फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा, इसको बस मैं ठीक जगह पे रख के इधर स्क्रू लगा दूंगा। सही है। ये रेडी हो गया, कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसको चला के देखते हैं। मैंने ये बाद में रिमोट सुनकर बहुत ज़्यादा स्पीड है इसमें तो यार।